आप भी करते होंगे। मैं अपने देश से इतना प्यार करती हूँ कि इसके चर्चे सरेआम करती हूँ। दे देता है गरीबों को दो जून पेट भर रोटी। मैं अपने देश को सलाम करती हूँ। मैं अपने देश को सलाम करती हूँ। मैं अपने देश को सलाम करती हूँ। और आपसे गुजारिश है, किसी आंख से यदि बहे आंसू, किसी आंख से यदि बहे आंसू, मोती उसे बना लेना। जिस कुटिया में अंधियारा हो वहां दीपक एक जला देना, वहां दीपक एक जला देना, वहां दीपक एक जला देना। आपको मालूम है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मैत्री का संदेश लेकर पाकिस्तान गए थे बस यात्रा करके, तो उसका हश्र क्या हुआ चार पंक्तियों में कि यह जरूरी नहीं कि हर खत में मोहब्बत का मजमून हो। यह जरूरी नहीं कि हर खत में मोहब्बत का मजमून हो, यह मुमकिन है कि किसी खत से अरमानों का खून हो। किसी खत से अरमानों का खून हो कि किसी खत से अरमानों का खून हो। हमारे देश में नेता और चुनाव का बहुत गहरा संबंध है, आप तो जानते ही हैं। इतना गहरा संबंध है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा। तो गांव की चुनाव के बाद गांव की नदी पर मंत्री जी ने पुल बनवाया, जिसका उद्घाटन भूतपूर्व मंत्री से करवाया। बहुत अच्छा। गांव वाले वर्तमान नेता से बोले, नेताजी अब आपको इस पुल पर चलना है। नेताजी बोले, माफ करिए बस इतना ही कहना है, 5 साल तक अभी मुझे इस पद पर रहना है। 5 साल तक अभी मुझे इस पद पर रहना है। 5 साल तक अभी मुझे इस पद पर रहना है। आपको मालूम है कि हमारे देश में कई प्रधानमंत्री बदल गए हैं। जब ये प्रधानमंत्री बदले तो उन्होंने देश का जायजा लेना चाहा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी देश का क्या हाल है। मंत्री जी बोले, हुजूर बहुत बुरा हाल है, अनाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। प्रधानमंत्री बोले, ये कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए शाख पर उल्लू कैसे बैठ सकता है, हमारे होते हुए शाख पर उल्लू कैसे बैठ सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अभी होली गई है, आपने होली के रंग खेले, रंग बिरंगे रंग खेले, लेकिन जीवन में होली के रंग कैसे रंग बदलते हैं, या मतलब जो जीवन होता है वो कैसे रंग बदलता है, जरा देखिए। नई नई शादी के बाद पति ने पी हाला, नई नई शादी के बाद पति ने पी हाला, पत्नी को पूरी तरह रंग डाला। प्रौढ़ावस्था में रंग थोड़ा ही पला, उसने पत्नी के सिर्फ चेहरे पर रंग मला। बुढ़ापे में रंग पड़ गया फीका, पति ने पत्नी के माथे पर, पति ने पत्नी के माथे पर जड़ा छोटा सा टीका। ये रंग बदलाव ऐसे होते हैं। तो अभी आपको मालूम है कुत्ते वफादार होते हैं, तो इस तरह कुत्तों की मीटिंग हो रही थी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात हो रही थी। एक कुत्ते ने बात उठाई, यदि आदमी की पूंछ होती तो क्या होता भाई। एक बुजुर्ग कुत्ता बोला, वह हमारा तरफदार होता, यदि आदमी की पूंछ होती तो वह हमारी तरह वफादार होता, तो वह हमारी तरह वफादार होता। क्या बात है, तो वह हमारी तरह वफादार होता। जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। चिंतन प्रधान रचनाएं रवि रश्मि जी पढ़ रही है। अभी ऐसा है कि पति पत्नी में नोकझोंक हो जाती है, घर में कई ऐसी बातें हो जाती हैं जो हास्य भी पैदा कर जाती हैं और कविता लिखने के लिए मजबूर भी कर जाती हैं। तो इस तरह सुनिए जरा छोटे छोटे टुकड़े। पति को डायबिटीज है, खाना खाते हुए बैठे फिर सोचने लगे कुछ। मैं अपना काम कर रही थी, बोले कि मुझे डायबिटीज है, मुझे हैवी खाना खाना चाहिए। मैंने सिर उठाया और कहा, रोटियों में पत्थर बांध लिया करो, हैवी खाना खाना है, रोटियों में पत्थर बांध लिया करो। क्या बात है, क्या बात है।
पति बाहर से आए, बोले कि मैं बहुत थक गया हूं, मेरे हाथ पैर दबा दे। मैंने पूछा कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदूं, कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदूं हाथ पैर दबाने के लिए। पति ने कविता लिखते हुए लिखने के बाद याद करते हुए कहा कि मुझे वीडियो से शूट कर, मैं कविता बोलूंगा। मैंने पूछा कितनी गोलियां मारूं, शूट करना है कितनी गोलियां मारूं। वाह वाह वाह, मतलब शूटिंग भी चालू है। तो पत्नी कहीं जाने को तैयार होके आई, नारी तुम्हारी तुलसी है, और वह पति से पूछने लगी। उसने पीली साड़ी पहनी हुई थी, पति से पूछा कहूं जी मैं कैसी लगती हूँ। अच्छा। पति बोला मुझे तो सरसों के खेत में खड़ी भैंस नजर आ रही हूँ। तो पति पत्नी की नोकझोंक कैसी होती है। प्रौढ़ावस्था में पति ने पत्नी से कहा जरा दूर दृष्टि से काम लिया करो। पत्नी चश्मा उतारते हुए बोली जब दृष्टि ही दूर हो गई है तो दूर दृष्टि क्या काम करेगी। वाह वाह, क्या बात है। तो दूर दृष्टि क्या काम करेगी। आपको मालूम है कि घर में पत्नी कोई ना कोई चीज संभाल के रखती है कि कभी ना कभी कोई काम आ जाएगी। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, आपका मैं नहीं कह सकती हूँ, कि जब भी मैं कोई चीज संभाल के रखती हूँ तो कभी काम आ जाती है। तो ये देखकर पति ने पत्नी से कहा तुम्हारी फटी पुरानी उल्टी सीधी टूटी फूटी वस्तुओं के संग्रह की बहुत बुरी आदत है, सारा घर भरा है, बड़ी आफत है। पत्नी बोली मेरे पति परमेश्वर यदि संग्रह के मेरे संस्कार न होते, यदि संग्रह के मेरे संस्कार न होते तो आज तक तुम मेरे साथ न होते, तो आज तक तुम क्या बात मेरे है दोस्तों, साथ क्या बात है, क्या बात तो है, आज क्या तक बात? तुम मेरे साथ ना होते। लीजिए अभी गंभीर विषय पर आती हूँ, जो हमारे देश में बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ ज्वलंत विषय है। अभी तक भी चाहे परिवर्तन हो गया है उसके बाद भी इस प्रथा ने हमारे देश में बहुत ही गलत काम कदम उठवाए हैं, काम किए हैं, वो है दहेज प्रथा। शुरू से आ रही देश में दहेज प्रथा घुन की तरह हमारे समाज में लगी हुई है, जिसके कारण हमारी बहु बेटियों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है। तो यह मैं कविता पढ़ रही हूँ दहेज के लिए, जल्दी पढ़ो, जिसके माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप ये संदेश घर घर पहुँचाएं कि ना हम दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। वाह, तो मेरा यहाँ पढ़ना सार्थक। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। आहा। मुट्ठियों में बंद लकीरों से भी किस्मत ना बदल पाई है, फिर जली है कहीं कोई अभागन, किसी सुहागन ने ये खबर सुनाई है। क्या बात है, किसी सुहागन ने ये खबर सुनाई है। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछा अखबारों में कितनी बुरी खबरें आती हैं, मम्मी ये लड़कियां जलकर क्यों मर जाती हैं? क्या बात है। बेटी का मासूम प्रश्न मुझे हिला गया, मेरा मन तड़पा गया। मैं सोचने लगी देश में जगह जगह से यही आवाज आती है जो मेरे मन मस्तिष्क में आंधी तूफान मचा जाती है। मैं सोचती हूँ क्यों होता है बेटियों का सहार, क्यों नहीं कर पाती मेरी बहनें प्रतिकार, क्यों उनके गुणों को नहीं गिना जाता है, क्यों दहेज लोभियों को तरस नहीं आता है, क्यों दहेज लोभियों को तरस नहीं आता है, दहेज प्रथा पे अच्छा व्यंग है, क्यों आदमी का दिमाग चढ़ जाता है, क्यों वह दहेज के लिए अड़ जाता है, क्यों आदमी मांगता है दहेज रूपी भीख, क्यों दहेज के अभाव में निकलती बेटी की चीख, क्या बात है, क्यों नहीं उनके गुणों को गिना जाता है, क्यों दहेज लोभियों को तरस नहीं आता है, क्यों उसे दहेज के लिए सताया जाता है, उसे जिंदा जलाया जाता है और उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है और फिर इसको आत्महत्या का मामला बनाया जाता है। क्या बात है। याद रखिए यदि दहेज लोभी राक्षसों के द्वारा नारी को जिंदा जलाना बंद नहीं किया जाएगा है, क्या तो है? उस घर में पैसा तो होगा पर सुख कभी नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों, जोरदार तालियां बेटी के सम्मान में, वाह वाह वाह। याद रखिए यदि दहेज लोभी राक्षसों के द्वारा नारी को जिंदा जलाना बंद नहीं किया जाएगा
तो उस घर में पैसा तो होगा पर सुख कभी नहीं आएगा, सुख कभी नहीं आएगा, सुख कभी नहीं आएगा, क्योंकि सुख को तो वही घर भाता है जहाँ नारी को इज्जत से रखा जाता है। क्या बात है, क्या बात है। और फिर नारी संसार को ईश्वर का वरदान है, नारी गुणों की खान है, क्या बात है। नारी सीता है, सावित्री है, नूर जहाँ है, रजिया सुल्तान है, इतिहास गवाह है, नारी के बल पर ही आदमी महान है, नारी के बल पर ही आदमी महान है, नारी के बल पर ही आदमी महान है। इसलिए मैं कहती हूँ नारी आपके आंगन की तुलसी है, नारी आपके आंगन की तुलसी है। जो आदमी आंगन की तुलसी को जलाता है उसका घर नरक हो जाता है, उसका घर नरक हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मन से लोभ का पर्दा हटाइए, मात्र दहेज के लिए सीता सावित्री जैसी मेरी बहनों को मत जलाइए, मेरी बहनों को मत जलाइए, मेरी बहनों को मत जलाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों। मत जलाइए दहेज प्रथा पर प्रोफेसर रवि रश्मि का बहुत प्यारा व्यंग था। और मैं अब ये चाहता हूँ कि मंच पर हमारे परमाणु बम आए। मैं भाई प्रताप फौजदार जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, 15 दिन से इन्होंने कम से कम 20 कार्यक्रम छोड़े होली के, और हम भी चिंतित थे, हमारे राजेंद्र शर्मा जी भी चिंतित थे कि हमारे भाई आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन परसों या कल इन्होंने कंफर्म किया कि मैं आ रहा हूँ। दोस्तों अपनी इस बीमारी के हालत में भी आज प्रताप भाई हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ और उनकी बहुत सम्मान के साथ। आप तो ABP न्यूज़ पर देखते ही होंगे, अभी रश्मि जी कविता पढ़ रही थी, हाँ न्यूज़ 18 है, अभी बदल गया होगा, मेरे टीवी पे ABP आता है उसमें भी दिखते हैं ये। अभी रश्मि जी पढ़ रही थी, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं साहब, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेते हैं साथ में। तो कॉलेज के दिनों में मैंने इनको देख के मेरे मन में ऐसा आने लगा कि यार ये लड़की शादी करेगी कि नहीं, मतलब थोड़ा सा मेरा कुछ मन, समझ रहे हो ना। हाँ तो मैंने पूछा, मतलब यार आप तो मतलब मैडम, मैडम तो उस समय नहीं बोलता था, आप शादी नहीं करोगी, करोगी? बोला आपको क्या लेना देना है शादी से। मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अपन साथ में पढ़ते क्लास में। बोला नहीं, मैं मतलब आपकी समझ रही हूँ। फिर इनसे मेरी शादी हो गई। तो मैंने कहा कि क्यों भाई, शादी के दिनों में आप कहती थी कि कुमारी मरूंगी शादी नहीं करूंगी, फिर शादी कैसे हो गई? बोला सोचा बार बार नौकर बदलने से भला बुरा कहेगा, ये परमानेंट अच्छा रहेगा। तो आप सब परमानेंट है साहब, जय हो आपकी। हमारे गुरुजन, हमारे बड़े भाई प्रताप फौजदार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किए करें दोस्तों, और बीच बीच में ज्यादातर तालियां बजाइए ताकि जोश उनके अंदर आता रहे। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। नेता बैठे हों तो साष्टांग दंडवत करता हूँ। क्या बात है, बल्कि मैं तो इनके चरण छूता हूँ, और इनके चरण इसलिए नहीं छूता हूँ कि मैं कोई आदर सम्मान वाली बात है, मैं तो इनके चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी दहेज की बात हो रही थी, मेरी बहन है, सगी बहन है मेरी, इन्हें फंसा ली थी, पढ़ती थी जब, ये सच में है सरदार जी, ये झूठ नहीं है। और दीदी मेरी जो है दहेज पर खूब कविताएं करती है, पर अगलों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बुलाने के लिए शर्मा जी ने फोन किया, राजेंद्र शर्मा जी ने, इन्होंने किया,
तो शर्मा जी बोले कितने पैसे लेगा, तो ये पड़ोस में ही बैठे थे बोले काहे के पैसे, ये तो हमारा साला है। यानी आज 40 साल होने को आ रही दहेज में अब तक भर रहा हूं। जय हो, जय हो। आइए बच्चे बिराज जाइए, ये किस डायरी का पन्ना है? अरे भाई सुना भाई, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकेला ही भेज दिया होगा, जा तू कवि सम्मेलन देख। जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, और वो घर पे 15 अगस्त मना रहे हो। अच्छा, एक सरदार जी बैठे हुए हैं, सत श्री अकाल, एक बीच में भी बैठे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे दो दिखाई दिए, जब मैं आया था तो एक भी नहीं थे। मैं सच कह रहा हूँ आपको, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ भी सरदार दिखाई नहीं दे रहे हैं, ट्रकों का भी मंदा चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा कहीं हो नहीं रहा है, सरदार गए कहाँ? लेकिन आज है, मैं आया अभी, देखिए एक सरदारों की रेपुटेशन देखिए आप, मैं अभी आया तो ये बलबीर चौधरी, ये डागर साहब, ये जाट हैं, ये मेरे से कह रहे तू आया पहली बार यहाँ, ऐसा करियो वैसा खड़ा हुई हो, ऐसे खड़ा हुई हो। मैंने कहे देखो रे, सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए, कौन है जाट भी सलाह दे रहे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों। ज्यादा सियाने मत बना करो भाई, बुद्धि के मामले में तो सरदार और जाट साड़ू साड़ू है। अच्छा सरदार साहब, मैं जब भी आपकी तरफ देखता हूं मुझे झटके लगते हैं, लगता है आपका जनरेटर हैवी है। नहीं आप नहीं समझते सर, सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। शहराजन शर्मा जी प्रणाम करता हूँ मैं आपको, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। विचित्र है, विचित्र क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ कुर्सी पे बीच बीच में खड़े हो जाया करो, उस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। चलिए मैं शुरू होता हूँ दोस्तों, अब मैं शुरू नहीं हुआ अभी। हाँ मैं शुरू, आनंद की बात बताता हूँ मैं आपको। एक अच्छा व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता, और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा हो। जय हो, जय हो। बज रही है, ताली बजाओ, ताली बजाओ। एक बार भी तो नहीं कही है मैंने ताली बजाने के लिए। भाई असली माल होगा तो बिकेगा यार। जय हो, जय हो भैया, जय हो। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। यार एक बात बताओ भाई, दुनिया फोटो आगे से लेती है, अच्छा वैसे एक बात बताऊं तेरे को, वैसे एक बात बताऊं, तुम सरदार का फोटो पहली बार ले रहे हो क्या?
अरे बावड़े सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 मेरे भैया। और एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता। अरे ये बताओ, तुम लोग कुछ फोटो वोटो भी ले रहे हो, कोरो फिल्म ही मार रहे हो? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। क्या बात है भाई, वाह 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 प्रताप भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा क्या, अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, अब होना शुरू। हाँ, ये मेरा ब्रांड है, सुनना मस्ती में। अच्छा मैं आज सरदारों को चुटकुले सुनाऊंगा। अच्छा कभी आपने सोचा है कि भाई जितने चुटकुले हैं वो सरदारों पे पढ़े जाते हैं? मैं बताता हूँ, इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ, दूसरी बात यह है, आगे से पीछे तक ताली चाहिए मुझे। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका एक उदाहरण सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में। आई क्यों ऊंचा करना। भविष्य की पीटी उषाए, चार आदमियों को फांसी हो गई, आई क्यों ऊंचा करना, मस्ती में ना मैं शुरू होता हूँ। चार आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला, वो हाँ इधर बैठे। उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्हें बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया, बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया, बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो माइथोलॉजी से हंस निकाल के दे रहा हूँ, मजे लेना। हिंदू, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। भाई 1 साल की छुट्टी क्यों, बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए, बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? क्या बात है, क्या बात है। और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। वाह 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 वाह। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको बनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया, बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक एक एक व्यक्ति की ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार, सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। जय हो भैया, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अपना देश विचित्र है सर, एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले, तुमको क्या मतलब है।
बोले तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी, मैंने कहा मोर, बोले राष्ट्रीय पशु, मैंने कहा शेर, बोले राष्ट्रीय झंडा, मैंने कहा तिरंगा, बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें तीन रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख के, तुम्हारा झंडे भी क्या है? अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। ये साले तेरे बाप का है क्या? अच्छा एक देसी हाथ से सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में, बिल्कुल खुल के बैठो, क्योंकि आदमी पता नहीं कहां से कैसी फीलिंग लेता है। वो बता रहे थे ना हमारे बड़े भाई साहब, कि वो बच्चा तेरा ही है क्या? आदमी जाने कहां से फीलिंग लेता है। देखो फीलिंग की बात बता रहा हूं मैं, अगर पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो, शर्मा जी आ गए होंगे मुझे पता है, जब ही आएंगे जब यहां से परवान चढ़ जाएगी बात, जड़े में कूड़ा करते हो, आ जान दो मैं शर्मा पे जब ही सुनाऊंगा। वो भी यही है और मैं भी यही, जहाँ मैं भी नहीं रहा हूँ, और वैसे भी 12 बजे तक तो उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। आ रहे हैं बड़े भाई हमारे, तालियां बजा दो भाई एक बार जोरदार से। हमारे आदरणीय शर्मा जी फिर पधार नहीं, गए। कोई बात नहीं, फिलो मैं तो बना लूंगा एक मिनट में। व्यवस्था अब ये सरदार का सेकंड टर्म चालू होता है, बैठिए आराम से। मैं आपको एक देसी हास्य सुनाता हूं। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, मस्ती लेना फिर मैं आपका मूड बना रहा हूं, फिर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा। हाँ तो अंग्रेज एकदम से मेरे से, अच्छा अंग्रेजों ने क्या है हमारे यहाँ राज किया है, अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते। अच्छा एक बात बताओ, वो क्या नाम है चौधरी साहब, मतलब ये आपने मॉडल बनवाया है कि अपने आप हो गया है? अब बनवाया ना, और पड़ोसी शर्मा जी ने, तो आप दोनों साढ़ू हैं क्या? मैं दोनों का फेस तो अच्छा है, सरफेस एक जैसा चमक रहा है। चलिए मूड बनाते हैं थोड़ा सा। तो वो अंग्रेज जो है, क्या अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फलवाला खड़ा हुआ था, तो वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था अंग्रेज, तो फलवाले से बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फलवाले ने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया बड़ी देश, ये क्या? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है,
पता नहीं लोगों को सरदार जी क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही हम नहीं तो मुस्कुराते ही लग जाएंगे। मैंने एक फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए, बोले 40 रुपए दर्जन, मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है, बोले 5 रुपए का एक, मैं चल 10 के 2 दे दे, उसने मेरी तरफ देखा बोले नहीं 5 रुपए का एक। अब मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए, कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। क्या बात है, मतलब अब बताइए क्या हमारी फीलिंग क्या है। वो सेब लेकर, बढ़िया बात बताता हूँ, समझ में आया तो पीछे तक ताड़ियों से मस्ती लेना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखा ना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है, वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। पता नहीं लोगों को क्या, अच्छा फीलिंग अपनी फीलिंग है, मैं फीलिंग की बात बता रहा था। अभी घनश्याम जी ने फीलिंग की बात बताई ना बच्चे की, देखो अपना अपनी एक देख आदमी फीलिंग कहां से लेता है। सुनना सरदार जी, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह। बात तो अब है, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी भी रो रही हो जय हो। आदमी कहां से फीलिंग लेता है। घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है, घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है, और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है, ज्यादा बात करें, और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है। और देखिए आदमी फीलिंग कहां से लेता है, सुनना सर आप। जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। आदमी कहां से फीलिंग लेता है, कहां देख रहे हैं आप आदमी का व्यवस्था क्या है। कि एक व्यंग पढ़ता हूं राजनीति पर, अगर आपकी समझ में आ जाए तो मुझे पीछे तक देना, पहला व्यंग पढ़ता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अब मुझे समझ के बताना। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो सदन अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सर अपना देश विचित्र है। एक एक मैं आपको एक मोटा सा किस्सा बताता हूँ सरदार साहब। वैसे तो अच्छा मैं एक सरदारों का बढ़िया जोक सुनाता हूँ आपको, तो बढ़िया जोक नहीं हो सकता। देखो शर्मा जी सुनो, मैंने आपसे अभी तक कुछ कही नहीं है, मैं सच्चा कैसा बताता हूँ। एक अंग्रेज आया दिल्ली में उतरा, बोले जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा। तो गाइड ने कहा घुमा देंगे, तो बोले चलो नॉर्थ से ही शुरू होते हैं। तो उसने कहा चलो घुमा तो देंगे, यहाँ से शुरू हो रहे नॉर्थ से, दिल्ली में खड़े हुए तो 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे, कि एक तो सरदार से, बोले ओके। दूसरे बोले हरियाणा में आएंगे, एक जाट से, बस ठीक। और वो तीसरा बोले एक शर्मा से, जिसे पूरे देश में। मैंने कहा ठीक चलो, चले गए पंजाब, पंजाब से शुरू हुए। सरदार जी चले आ रहे थे सामने से, तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या।
गाइड बोला अभी तो 9 बज रहे हैं, वो अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछना है, आ गया बातों में। बोला 12 बज गए क्या, जो सरदार घूमा तो डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। क्या बात है, क्या बात है कि साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया, आ गए हरियाणा में। सामने से एक चौधरी साहब चले आ रहे थे, तो वो गाइड ने अंग्रेज से कहा मूछ पे ताप दे, मूछ पे ताप। अब अंग्रेज को मूछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोले अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें दो धोबी पाटी इधर से, दो धोबी। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई, कूट के चला गया। बोले कौन था, बोले भाई ये जाट था। बोले ये और ज्यादा खतरनाक था यार। तो उनने कहा भैया एक बात बता, खड़े हो जाओ। हाँ बोले भैया एक बात बता, पीछे तक ताली और ठाके आने चाहिए। बोले भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं शर्मा को कैसे पहचानूंगा। वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारे राजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में है। मैं तो प्रणाम करता हूँ शर्मा जी, मैं तो शर्मा जी के राजेंद्र शर्मा की शादी में गया था, ये हाथी पे चढ़ के गए थे। मैं कहा शर्मा जी हाथी पे क्यों, बोले यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैं कहा सही है, शादी तुम्हारी होगी, यहाँ तो मत्या घोड़ा करेगा। अच्छा जब पहुंचे ना वहाँ हाथी पे चढ़ के ससुराल में, तो वो सालियाँ हंसने लग गई। बोले क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है। बोले जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। वो साला भी हंसने लग गया। बोले क्यों, तेरे भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है। बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। आधा घंटे तक तो मेरी भाभी परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालू। भाई जोरदार तालियां आनी चाहिए यार। कितनी देर पढ़ना, क्या टाइम टाइम की मुझे बता दे। नहीं पढ़ो ना यार। हाँ तो पढ़ी रहा हूँ फिर तो। ये क्या कम है कि तुम्हारे कहने से पढ़ रहा हूँ। बचपन में तो मुझे कूटा करते थे लोग पढ़ने के लिए, मैं फिर भी पढ़ने नहीं जाया करता था। दोस्तों अपने क्या है कि अपना देश विचित्र है, और जैसे बच्चे घूम रहे हैं, ये नए लड़के हैं। एक जमाना था, जैसे लंबे रेंज की बात कर रहे थे ना, मेरी बहन ने लंबे रेंज करी, ये सही बात है। इन्हें पटा लिया, क्या किया, बहका लिया, जो भी हुआ। तो आजकल के लड़के ठगे जा रहे हैं, हमारे ज़माने में भी प्यार मोहब्बत होती थी, पर आजकल के लड़के ठगे जा रहे हैं बेचारे। वो अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे वो डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते ही प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते हैं मेरा मन डोले मेरा, दो दिन बाद वो फटकार देती है चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें भरोसा रहता कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था, आए हाय 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 हाय, अब क्या रह गया है। तब लव लेटर लिखे जाते थे, आए मेरी प्यारी कंबो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। उसके घर फेंकने जाते थे ऐसे करके, क्यों आप फ्लैशबैक में जाओ दादाजी। हाँ तो ऐसे करके शाम को जूते चल गए, क्योंकि शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये उस जमाने का, अब क्या रह गया है। अब तो वो मोबाइल है, वो चार चार आंगड़ कहीं बैठा गया, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है। वाओ शुरू, एक हमारा जमाना था शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए।
मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है तो मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली मेरी बाप पट्टे वो मेरी रही है देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे सीन बना, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो दो थे पर आप और आ जाएंगे तो तीन हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाई। ऐसे ही बहका देते थे बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मातृशक्ति बैठी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने 62 देशों की यात्रा की, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तक टेक्स्टों में है, सिख योद्धा हरि सिंह नलूवा, सरदार साहब जानते होंगे मेरे, ये जानते नहीं। आपसे ताली मुझे इस बात पर चाहिए दोस्तों, मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। मैं दावा कर सकता हूँ कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपने समाज की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो रोको रोको इन बच्चों को रोको भैया, हालांकि रुकेंगे कहाँ, परमात्मा पर नहीं रुके तो हम पर कहाँ रुकेंगे वो। हाँ बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। उमा का सारे सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मगर मैडम की बात तो सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भाई साहब, पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। मैंने कहा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे जाने लग गया। मैं साड़े तू क्या कर रहा? कहता तू तो कह रहा था मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में NCC वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा NCC वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था तो तू बता देना। 1942 में तैयारी से होने लग गई थी और 47 में हो गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था पर नेहरू गांधी चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था, पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, लोग बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी 1942 में तो तैयारी से होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू जाड़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। मैं आपको एक कितनी देर होगी? 9:30 तक करना। चलो एक बार तालियां बजाइए। बेटा भाई भाई कहाँ जा रहे हो यार? खैर तुम तो जाओ। नहीं नहीं वो अकेला थोड़ी है भाई,
नहीं जाने जाना भी चाहिए, सिर्फ हंसना ही काम थोड़े ही, और भी काम है, घर के भी काम निपटाने ऐसे लोगों को। नहीं मैं आपको एक बहुत बढ़िया आइटम सुनाता हूँ, जैसे मैं अभी मेरी बात बताई गई कि लाफ्टर चैंपियन सेकंड सीजन का लाफ्टर चैंपियन बना था मुझे। अच्छा एक मन में आ रही है, सरदार जी सामने बैठे हुए हैं, मैं एक सरदारों पे एक इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ आपको, तालियां बजाइए एक बार जोरदारी से। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया जी, क्या बात है, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। हाँ, सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, पीछे तक खड़े हुए मेरे मित्रों, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो पूरा शक्ति से पूरे लोग ताली बजा के मुझे बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। वाह 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 वाह। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली ज़्यादा उठाना, कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस मायने में पूरा देश सरदार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा ऐसा ही बड़ा मैदान, सरदार जी बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो ये बच्चा घूम रहा है ना, ऐसे ही एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, बोले गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले कि यहाँ बैठे, बोले हाँ अंकल जी, बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है, बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ, बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा, दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, ले अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए सर, वही बच्चा लेके आया, सरदार जी ने कहने 5 लाख, बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए, दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, और आप सबके लिए मैसेज है, पूरे देश के लिए मैसेज है, मेरे गुरसिख भाई बैठे हुए हैं उनके लिए मैसेज है, और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी हो। चलिए लास्ट में बहन जी बैठ जाओ, देखो बुरा मत मानना, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से भगवान ने आराम किया न सारे आदमी ने आराम किया। भाई जल्दी फाट दो इसको, क्या हुआ है कि मैं जब इसके लिए आया, लाफ्टर के लिए मुंबई आया, तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ, एक दिन फ़ोन किया कहाँ है तू, मैं कहा मुंबई, कि मुंबई क्या कर रहा है, मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ, अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई, बोले क्या कर रहा है, मैं कह लोगों को हंसा रहा हूँ, कहती है राजा ये बच्चे रो रहे हैं पहले इन्हें चुप करा ली। अच्छा जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे ध्यान से सुनना, मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ, मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है, मर गए, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है। अच्छा क्या है, वो जाके आया था, मैं कह सुरेंद्र जर्मन, बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे, कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी तुआडा की हाल है, मैं कहा हो गई जर्मन, बोला सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया, मैं वहाँ उतरा
सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कहीं खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, ध्यान से सुना, मेरे पास बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला, वो पानी ले आया। और वो मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई, मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला, वो पिज्जा ले आया। मैं कहा यही है, जर्मन में बैठ के खाने लगा। वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए। साला मुझे कुछ शक हुआ, मैं कहा तू इधर आ, मैं तू कहाँ का रहने वाला है। कहता मैं बठिंडे का रहने। क्या बात है गुरु, इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं। दोस्तों अभी मेरे से कहा गया था कि नेता कुछ बैठे हुए हैं, इनके लिए मैं एक आइटम नेता का पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, व्यंग पढ़ता हूँ, सुना। बड़े विचित्र प्राणी हैं, परमात्मा ने जाने काहे काहे से बनाए और हमारे ऊपर छोड़ दिए। मेरा एक दोस्त है नेता, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ, बच्चे, अच्छा मैं 40 साल से आगरा में रहता हूँ, आप जानते होंगे सब, उस पर लिखा भी आता है टीवी के प्रोग्रामों में। तब मैं जब भी उनके पास जाता हूँ तो उसके बच्चे, चाचा जी नमस्ते, आगरा से आए हो, बैठा लाए हो गए, मैं आया हूँ पकड़। अब के मैं गया, चरित्र देखना नेता का, अब के मैं गया, बोले मामा जी नमस्ते। मैं कहा बड़ा जल्दी रिश्ता बदल लिया। कहता क्या है, जब आप आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे ये साला फौजदार फिर आ गया। अच्छा जब हम खा, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया पहन दे के जा रहा हूँ, तो जब हम खाना वाना खा रहे थे तो उनका बड़ा बेटा आ गया, बोले पापा मुझे राजनीति सिखा दो। बोले राजनीति नहीं करते, राजनीति बहुत बुरी चीज़ होती है। बोले फिर आप क्यों करते हैं जी। अरे मैंने कही यार ये सोएगा नहीं, इसको कुछ बता दे। बोले बेटा राजनीति में क्या होता है, राजनीति में जनता होती है, सरकार होती है, अर्थव्यवस्था होती है, कर्मचारी होते हैं, यही सब चीज़ें होती है, तरक्की होती है, यही सब चीज़ें हैं होती हैं, सो जा। बोले जी डिटेल में बताओ, मेरी समझ नहीं आई। बोले अच्छा ये बता घर में कमाता कौन है। बोले पापा आप, तो ये समझ ले कि मैं अर्थव्यवस्था हूँ। खर्च कौन करता है, बोले मम्मी, तो मम्मी समझ ले सरकार है। तनख्वाह हम किसको देते हैं, बोले नौकरानी को, तो नौकरानी समझ ले कि कर्मचारी है। कहता जी मैं, अरे बोले बेटा हम सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए तो कर रहे हैं, ये समझ लो देश की जनता हो। बोले जी मेरा छोटा भाई, अरे बोले सो जा यार, ये समझ ले ये देश का भविष्य है। वो जाके सो गया, सोते सोते उसने डरावना सपना देखा। वो डर के मारे जाग करके पापा के कमरे में गया, तो पापा वहाँ था ही नहीं। फिर मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सोई पड़ी थी। जब वो लौट के आ रहा था तो नौकरानी के कमरे से कुछ खुसर फुसर की आवाजें थी। वो और आगे आया तो उसने देखा उसका भाई अंधेरे में सो रहा है, तो वो भी सो गया। सुबह जब हम चाय वाय पी रहे थे तो जाग के आ गया, बोले पापा मैं तो राजनीति सीख गया। बोला जल्दी सीख गया, क्या सीखा। कहता जी अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी खड़ी खड़ी देख रही थी। दोस्तों मैं आखिर करता हूँ इस बात, आज अपने प्रोग्राम, मतलब अपने प्रोग्राम को मैं विराम देता हूँ, एक बात कह के जाना चाहता हूँ। हंसी बड़ी नेमत है, इससे बड़ी चीज़ दुनिया के अंदर कोई नहीं है। एक बात कह के जाना चाहता हूँ आपसे, अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। शर्त यह है, तालियों से मुझे बताना कि मेरी बात आप साथ में रखेंगे। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ
समस्या की उपेक्षा करते हैं पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, बहुत अच्छा। आइए दोस्तों, आप सुन रहे थे भाई प्रताप जी को, और समय की अपनी गति है। मैं अब थोड़ा सा नारी स्वर बदलना चाहता हूँ, और दिल्ली से जो आई है हमारे बीच में बेटी रजनी, मैं उनसे आह्वान कहना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ प्रताप भाई के बारे में। इनको किसी ने, ये बहन को छोड़ने आ रहे थे रश्मि जी को, इनको किसी ने नेता कह दिया तो ये लगे मारने। बहन ने पूछा, बोला तू यार मारने क्यों लगा, उसने नेता ही तो कहा ना। बोला आपको मालूम है नेता में कितना अर्थ है, भ्रष्टाचारी, डकैत, चोर, मर्डरर, बलात्कारी, मैं हूं क्या। तो इनने पीटना शुरू किया। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जिन चीज़ों को हम अच्छा समझते हैं वो अच्छी नहीं होती। और आइए कार्यक्रम की अगली पादान पर एक नारी स्वर, हमारी बहन बेटियां यहां बैठी है, और उनके सम्मान के लिए हमने रजनी जी को बुलाया है, रश्मि जी को बुलाया है, और चार पंक्तियां उनके सम्मान में, उनके परिचय में पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। कि इनके गीतों की अपनी खुशबू है, रजनी के गीतों की अपनी खुशबू है, इनके गीतों से बाग जलते हैं, अगर झांक ले झील में अपना चेहरा तो झील में भी चिराग जलते हैं, आ रही है रजनी सिंह।